अब कन्हैया कह रहे हैं ब्याह करवा दे, मैया बोली है तो जाएगा तेरे ब्याह पर। एक बात बताऊं, तब तक नहीं होएगा ब्याह जब तक तू चोरी नहीं छोड़ दे। तू चोरी छोड़ दे झट तेरे ब्याह है जावे। मैया तू एक पतो ना है, मैंने तो चोरी छोड़ दी। तेने चोरी कब ते छोड़ दी? बोले जब ते ब्याह को नाम सुनो। तू ब्याह करवा दे वाके बाद में चोरी करूंगा, बातें पहले नहीं करूंगा, तू बस ब्याह करवा दे। क्या बोलेंगे? जोर से। मैया ऐसे ही कन्हैया जो है मैया को सुख देते हैं, बड़ा आनंद आता है, बड़ा आनंद आता है। एक दिना की बात, कन्हैया कहूं थे खेल के आए, और जब खेल के आए तो मैया घर में नहीं। अब कन्हैया सोच रहे हैं मैया घर में नहीं है, बड़ी जोर से भूख लग रही है, तो कहा करें? बोले एक काम करो, आज अपने घर में चोरी करो, और चोरी करे वो सीखो, परफेक्ट चोर बनो। परफेक्ट चोर किसको कहते हैं? जो चोरी करता हुआ पकड़ा। कन्हैया कह रहे हैं घर घर पाछे खाए हो, पहले अपघर खाए, घर में पक्को होई पुने बाहर चोर जा। अब कन्हैया को जरूरत क्यों पड़ी? बोले जो ब्रज की गोपी है ना, सब कहते हैं, जानते क्या कहते हैं? अंगना में आओ, प्लीज कम टू मी, और मेरे माखन को खाओ, ईट द वॉटर, माखन खाओ। झूठी सांची बत्तियां, सच मत बोलना, सच बोल दिया तो बात खत्म। एक बात बता मैं साहब, आपने देखा होगा प्रेमियों में लड़ाई जरूर होती है, होती है कि नहीं? जवाब दो हाँ या ना, दे दो जवाब, होती है। क्यों होती है? अरे तुम्हारे तो बात छोड़ो, कन्हैया और राधा जी में भी लड़ाई है जा कभी कभी। तुम तो कछु ना आओ, डाक के तीन पार, और जब किशोरी जी रूठ जाए तो मन हारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। इसलिए राधा जी को मनाने के लिए। किस लिए बने मनारी? किशोरी जी को मनाने के लिए। तो लड़ाई क्या है, जब प्रेमी लड़ते हैं ना तो प्रेम और बढ़ता है। थोड़ा बहुत कभी कभी फाइट करनी चाहिए हस्बैंड के साथ। बस मेरी देवी जी ये बात ना सुन ले, बाकी भैया दूर रहते घर से नहीं अच्छी बात है। लड़ो, सब लड़ो, लेकिन लड़ो थोड़ी देर, 5-10 मिनट, उसे निभा के उसे लॉन्ग मत खींचो। अगर घर में कभी पति पत्नी में लड़ाई हो भी जाए, ज़्यादा लंबी नहीं खींचनी चाहिए, ज़्यादा ज़्यादा 10 मिनट, उसके बाद एक गिलास पानी तू पी ले, पति के बाद ठंडी ठंडी कूल कूल हो जा, लड़ाई खत्म। तो वो ब्रज की सखी कह रही है महाराज सांच मत बोलियो, झूठ बोलियो। क्यों? झूठ बोलोगे तो बात बढ़ेगी, और जितनी बात बढ़ेगी उतनी देर तुम वहां संग रहोगे। झूठ बोल के सच बोल के प्रेमी सिर्फ चाहता है प्रियतम का सानिध्य। क्या चाहता है? अपने प्रियतम का सानिध्य चाहता है। और ब्रज की गोपी कृष्ण का सानिध्य साथ चाहती है, वो साथ रहे, छोड़ के जल्दी न जाए। तो कन्हैया बोले जब चोरी करनी है, जब चोरी करनी है तो पहले घर में चोरी करवो सीखो। झट घर में घुस गए, छोटी सी मटकी लई, गोद में धल लई, और मटकी धर के सोच रहे अगर आज मैया ने चोरी कर तो वह पकड़ लो, तो भाई कच्चो चोरू, और नाए पकड़ो तो पूरो पक्को चोरू। फिर तो रोज जाऊंगो एक एक के घर में, नहीं कहूं कहूं उनके घर में चोरी करूंगा। फिर तो कह गए साहब, अब मां गन खा रहे हैं, चोर तो जल्दी करें हर एक चीज में। दुनिया एक हाथ ते खाए, वे दोनों हाथ अंते जे रहे,
माखन ले दोनों हाथ अंत एक बार माखन की मटकी में हाथ दे माखन भरो मुट्ठी भरी और जैसे ही माखन ते मुट्ठी भरी और निकारवे लगे तो मटकी को मोन नेक सौ सौ दोनों हाथ फंस गए। अब एक एक करके निकारें तो हाथ निकरे सरकार है तो जल्दी है इनने तो जल्दी है खाएवे की। अब दोनों ने एक संग कह रहे निकरियाओ निकरियाओ निकरियाओ। अब जी का निकरे ऐसे निकरेंगे जे या तो ने छोट बंदर को देखा आपने कभी बंदर को? बंदर हमेशा इसी लालच में पकड़ा जाता है कि मुझे कुछ खाने को मिल जाए। वो भी ऐसे हाथ डाल देता है ऐसे हाथ डाल देता है माखन को अपने जिसमें भी चने बने वो बंदर पकड़ने वाले डालते हैं उसका मुंह छोटा तो वो दोनों हाथ एक साथ डालता है दोनों में मुट्ठी भर लेता है चने की तो वो दोनों छोड़ता नहीं है फिर एक एक करके निकालता नहीं है वो फंस जाता है बस। अब हमारे ठाकुर जी भी इसी चक्कर में कि छोड़ना ही नहीं है दोनों निकलो। अब दोनों इतनी जल्दी निकलेंगे? अब जो कह रहे हैं अपे आतंते जल्दी निकलो ना तो मैया पकड़ेगी सारे मारेगी मैया निकलो मुंह में मार पड़ेगी। अब इतने में मैया ने सुन ली जी निकलो निकलो कहा है रो भंडार में कोई निकलो निकलो कोई है या को मतलब झट मैया गई भंडार माऊ। अब तुम्हारी तरह थोड़ी है पहले तो बड़े गहने पहरे पामन में और साफ बड़े बड़े भारी केव केव किलो के तो वो पाजे भयो करे हैं और वो कौंदनी और वो हाथन में यहाँ तक केव केव वो चांदी के सोने के ना सब फिर ये पूरा स्वाग पता चलना चाहिए स्वाग स्वागिने। आजकल तो कई तो भूदेवी बिंदी भी ना लगाम सीधा सिरपात पर बढ़िया बार खोए और नो बिंदी नो मांगते तो मतलब ही ना है मांग नहीं भरे माथो भरे मांग भरी जाए बाल न में यहां तक भरे गांव में जाके देखिए न्यो भरे पूरी सिपा चिट। और अगर मांग न भर ले जाए सास लड़े ये छोरा खाए के छोड़ेगी अपनी कसम बड़ा आनंद आता है कभी कभी एकदम समझो जैसे रसमती निकल के आ रहे हो जैसे जलेबी ना छान ले एकदम रसवा में चाशनी में जलेबी रस युक्त टपक तब है और रस जब तक जलेबी की दो चार बूंद कपड़ा पर नहीं गिर जाए आनंद नहीं आवे कैसे पता चल दुनिया बारे ने कैसे पता चल हम जलेबी खाई ऐसी सास बहू की लड़ाई जलेबी युक्त है रस युक्त। ये मांगे भल्ले छोरा भाई बार गए लौट के आवे का देखे गो भल्ले बड़ा आनंद आता। और देख लो यहां भी सबकी मांग भर रही हूं यहां तक बढ़ रही है ना तेरे नाम पे शुरू तेरे नाम पे खत्म हैं जी नाम पे शुरू और तेरे नाम पे ही खत्म यहीं पे शुरू और यहीं पे खत्म। वैसे ज्यादा एज बेज बढ़ा के करना क्या है होना चाहिए मांग भरनी चाहिए आप न भरो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मैं क्यों कहूं जनता कम होगी जैसे चाहो वैसे रहो। तो बड़े गहने मैया ने पैर रख के छम छम की आवाज सुनी कन्हैया बोले सारे मैया आ रही है निकराओ। अब कहा निकरे बोले कोई बात ना आज पिटेंगे या तुम्हार पड़ेगी भाई इतने मैया ने आए कि पकड़ लिए कौन है रे चोर मैया कृष्णो हम करोस किम माता कंकड़ पद्म राग महिषा पांडे रे मामा तप्यते तेनायव नवनीत भांडे विवरे वन्यस्ते निर्वापिता। मैया बोली करे का रहे ओए अरे मैया कछु मत पूछे कहा करे तेने ऐसे मड़ीन के कड़ूला पैरा रखे धूप में ताते है कि मेरे हाथन ने बुड़सा में जामारे ने मड़ीन की कड़ूला ने माखन की मटकी में दे के सीरे कर रहा हूं का कर रहे हो बोले माखन की मटकी में देके सीरे कर रहा हूं सीरे
ठंडे ठंडे कर रहा हूँ, ठंडे कूल कर रहा हूँ, कूल सीरे कर रहा हूँ। तो न माखन की मटकी में दहरो है, सांच सांची बता, पहले नहातन ने कार फिर बताऊं। मैया ने हाथ निकारे, छोड़ माखन, छोड़ माखन, छोड़ माखन, छोड़ माखन, छोड़ फिर हाँ माखन छोड़वा। फिर हाथ ने कन्हैया बोले, सारे ये काम तो हम अपने आप कर सके, अपने आप कर लेते तो चोरी ना पकड़ी जाती, पर अब काब है, अब तो पकड़े गए। मैया बोले, चोरे तो शर्म ना आवे अपने घर में चोरी कर। मैया मैंने चोरी, मैया मैंने चोरी करी है, काय की चोरी? अरे मैया तू भी हद करे, जब तू यूं कहेगी, जब सब तेरो ही है तो, जब सब मेरो ही है तो मैं दिन में खाऊं, रात में खाऊं, आगे खाऊं, पीछे खाऊं, तू होए जब खाऊं, तू जब घर में ना हो तो खाऊं, काई बात की चोरी जब मेरो ही है तो? अरे कन्हैया तोते बातन में कोई ना जीत पावेगो, देख मैं तो बताए दे रही हूं, चोरी की टेब छोड़ दे रे छोरा, फिर गए बामन नाई। या चोरी की टेब है छोड़ दे, या चोरी की टेब के पीछे बड़े बड़े तेरे तो देखे वाले आए सब लौट गए, आज तक तेरी सगाई ना भाई, सगाई ना भाई, कौन लौट गए हो? पहले ब्राह्मण और नाई जाते थे ना देखने लड़की के लिए, लड़का बोले जितने भी ब्राह्मण नाई आमे सब ने पता चल जाए, गोपी कह दे ब्रज की यशोदा जी का छोरा चोरी करें, और जैसे ही चोरी को नाम सुने वो लौट जा। लौट गए, तेने मुँह बताई चुनाई, बोले तू क्या करता हो? बोले अब का बताऊ क्या करता हो, अब जब कोई आवे तो बता दियो, अब की कोई भी आवे तो तुम बता दियो। मैया बोली बता दो, तू क्या कर? बोले सारे ने रस्सी से बांध के पटक लो, कहो पहले सगाई कर जाओ फिर छोड़ो। अरे लाला तू या चोरी है छोड़ दे, तेरी सगाई अपने आप रह जावे। और ये सच्ची बात है, बहुत से लोग सोच रहे होंगे क्या भगवान ऐसी बातें करते हैं? बिल्कुल करते हैं। जब आपका छोटा सा बच्चा, 3 साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा शादी की बात करता है, लड़की हो या लड़का, शादी की बात जब आप उससे करते हो, वो तोतली तोतली भाषा में जब जवाब देता है, सच्ची बताओ आपको आनंद आता है कि नहीं? बेटी होती तो कहते तेरा राजकुमार आएगा घोड़े पे, तेरो तो आयो ना जाको कांते आवे घोड़ा पे, झूठ बोल रही है बातें, राजकुमार घोड़े पे, कोई है राजकुमार? नाम के राजकुमार है, काम के तो कंगाल है। और फिर घोड़ा पे कहाँ आता है? सफेद घोड़ा होगा, आसमान से उतरेगा, और वो घोड़ा राजकुमार है, घोड़ा है कि राजकुमार है, कौन है वो? ऐसे थोड़ी होता है, झूठ बोलते हो, लेकिन फिर भी आप बोलते हो, क्यों बोलते हो? इससे आपको आनंद मिलता है, माँ प्रसन्न होती है, पिताजी प्रसन्न होते हैं, हाँ या ना? जब तुम इन 8 मास के पुत्रों में, बच्चों में इतने खुश होते हो, तो जिनका पुत्र ही कृष्ण हो, बताओ उनको कितनी खुशी मिलती होगी ये बात करने। मेरे कन्हैया चाहते हैं कहीं से भी मैया यशोदा ये न कहे कि हमें उतना आनंद नहीं आया, जा हमारे कन्हैया माखन मिश्री की चोरी करते हैं और भैया बाबा को ये सब बातें बोलते हैं, मैया को सुनाते हैं। एक दिना की बात है, कन्हैया गैया चरावे के लिए गए, और जब गैया चरावे के लिए गए तो ब्रज के ग्वाल बाल भी उनके संग में हैं, ब्रज के ग्वाल बालन के संग में गैया चरावे गए। परमात्मा जब तुमसे प्रेम करता है, न वो अवस्था देखता है न व्यवस्था देखता, दुनिया के लोगों के लिए अवस्था जरूरी है, व्यवस्था जरूरी है, लेकिन भगवान जब तुमसे प्रेम करने लग जाए, न उसे अवस्था की जरूरत है न व्यवस्था की जरूरत है। कैसे? अब देखो, ये अखिल ब्रह्मांड नायक हैं, इनकी एक झलक पाने के लिए बड़े बड़े योगी ध्यानी ऋषि मुनि तरसते हैं, बड़े बड़े योगी ध्यानी ऋषि मुनि तरसते हैं, लेकिन वही अखिल ब्रह्मांड नायक उस ब्रज में, ब्रजवासियों के संग में उनकी झूठी पत्तल पर बैठकर भोजन करते हैं, झूठी पत्तल पे बैठकर, उनकी झूठी पत्तल में से उठा उठा के जी रहे। तुम्हारे चांदी की थाली में वो भोग नहीं लगाता, वहां ब्रजवासियों की झूठन खा रहा है।